हेलो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें लेने होंगे कच्चे केले। उन्हें छील लेना है अच्छी तरीके से और अब हमें इनको गैस ऑन करके कुकर में रखना है। कुकर हमारा रख दिया है हमने। अब इसमें हम अपने केले ऐड करेंगे। हम अपने केले ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब कुकर में ऐड करेंगे हम पानी। पानी हम केले के बराबर में डालेंगे और अब हम लगाएंगे अपना ढक्कन। इसमें फ्रेंड्स एक सीटी में केला हमारा हो जाएगा, उबल जाएगा। अब हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे थोड़े से प्याज छील के काट लिया है। इसमें हमने खड़े मसाले भी ऐड कर लिया, जैसे गोलकी, दालचीनी, तेज़पत्ते, लौंग, इलायची। ये देखिए, इन सबको हमें ग्राइंड कर लेना है फ्रेंड्स। गाइस, हमारे केले तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे कुकर का सारा प्रेशर भी निकाल दिया है हमने। अब हम इन सबको एक एक करके बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। हम 3 से 4 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे ताकि अच्छे से बाइंड हो सके। हमें इनको बाइंड करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। हमने यहाँ पे अपना स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल लेना है आपको। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। ये गर्म है गाइस, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, मिक्स कर लिया है। हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस करेंगे ऑन। उस पर बैठाएँगे अपना कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे अपना रिफाइंड। और रिफाइंड को गैस गर्म होने देना है। फ्रेंड्स, रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें केले के टिक्की जैसा बनाकर इसमें हमें ऐड करना है। देखिए हम इसमें कैसा फटाफट डाल रहे हैं और ये जल्दी से पक जाएगा। इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमारे पकौड़ियाँ लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए कितना सुंदर गोल्डन कलर आ चुका है। हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह हमें अपनी सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लेना है और गोल्डन कलर होने तक ऐसे फ्राई होने देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी कढ़ाई गर्म है। इसमें हमने डाला थोड़ा सा जीरा और 2 सूखे लाल मिर्च फ़ौरन के लिए ऐड करेंगे। ये जीरा और लाल मिर्च हमारी चटक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी नमक ताकि प्याज जल्दी गल जाए, क्योंकि प्याज गलने में बहुत ही टाइम लगाता है गाइस। हम अपना पूरा स्वाद अनुसार नमक अभी ऐड कर ले रहे हैं। अब इन सबको लगातार चलाते हुए आपको भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इसमें डालेंगे अपने पिसे हुए मसाले, जो गर्म मसाले और प्याज हमने पीस रखा था। इन सबको अच्छे से ऐड कर देना है और फिर इन्हें भी हमें भूनना है सबको। फिर इस अभी हम डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच डाल दो और फिर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सूखे मसाले हमें ऐड कर देना है फ्रेंड्स। अब इन सबको चलाते हुए हमें भूनने देना है। हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और पानी को अच्छे से हम मिलाएंगे ताकि मसाले लम्स ना बनाए। फ्रेंड्स, पानी डालने के बाद अब हम इसे छोड़ देंगे उबलने के लिए ताकि हमारा ये मसाला उबल जाए। देखिए फ्रेंड्स, कैसे हमारे मसाले में उबाल आ रही है। इस स्टेज पे हमें ऐड करना है अपनी केले के कोफ्ते, यानी पकौड़े केले के। हमें इन्हें भी ऐड कर देना है।
और इन सबको भी उबाल आने तक पकने देना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और खाने में अच्छे लगे, टेस्टी लगे। फ्रेंड्स, इसमें हमारा उबाल आ चुका है, ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है, आप इसे सर्व करें। ये देखिए कितना स्वादिष्ट है, अभी गर्म ही है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक